जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे बेहद ज़्यादा पौष्टिक और टेस्टी सा नाश्ता। एक बार आप इसे बना के खाएंगे तो मैगी नूडल्स सब भूल जाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं सेवई से बना उपमा, बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाना बेहद ही आसान, बिल्कुल नूडल्स से दिखने वाला, बिना मैदे के और हेल्दी तो क्या कहने। तो चलिए बिना देरी किए बनाते हैं झटपट से ये नाश्ता। तो आज हम बनाएंगे सेवई से बना नाश्ता। उसके लिए यहाँ पे लेंगे हम एक चम्मच देसी घी। घी को गर्म कर लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है एक कप। ये मोटी वाली सेवई आती है ना, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। घी गर्म हो गया और अभी हम सेवई को भून लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक ये सेवई को भूनना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें भून लेना है। सेवई को हमें कुछ भी भूरा नहीं करना है, ना ही ब्राउन करना है। 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें भूनना है। इससे बहुत ही ज़्यादा खिली खिली आपके नाश्ता बनते हैं। तो चलिए यहाँ से 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं हम इस सेवई को भूनते हुए, और देख रहे हैं हल्का कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहे तो बिना भुने भी सेवई का उपमा बना सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से भूनते हैं तो आपकी सेवई का उपमा बहुत ज़्यादा खिला खिला बनता है। तो चलिए बस हमें इतना ही भूनना है और अभी इसमें हम डालेंगे पानी। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो एक बाउल ले लेंगे, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 कप पानी। आप इस तरीके से अगर पहले से सेवई को पका करके बनाते हैं उपमा, बेहद ही ज़्यादा खिले खिले सेवई बनेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला है 2 कप पानी, सबको अच्छे से मिला देंगे। जब कभी भी आपको सेवई का नाश्ता बनाना हो, सेवई का उपमा बनाना हो, तो आप पहले सेवई को पका कर रख लें, और जब भी आपका मन करे आप सेवई का उपमा बनाएं और झटपट से नाश्ता तैयार करें। तो यहाँ पे हमने सबको अच्छे तरीके से मिला दिया, और अभी हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और एक नींबू का रस यहाँ पर लिया है 1 चम्मच। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और 1/2 बचा लेंगे, तो उसे हम बाद में डालेंगे। तो सबको अच्छे से फिर से हम एक बार मिला लेते हैं, और जो भी किनारे किनारे सेवैया है ना, उसे पानी में अच्छे से मिला दें। हाँ, आपको इस चीज़ का और ध्यान देना है कि बस आपको सेवई के ऊपर तक पानी नहीं रखना है, सेवई के बराबर, और तभी आपकी सेवई बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगी और बिना चिपची। और 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हमने इसे पकाया है। 5 मिनट के बाद ये देखिए सेवैया हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, और अभी हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब सेवई अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम उपमा बनाएंगे। तो सेवई हमारी ठंडी हो चुकी है, यहाँ पे हमने डाला है 2 चम्मच तेल, और तेल को इस तरीके से कढ़ाई में फैला दें। ऐसा करने से बिल्कुल ही सेवैया कढ़ाई में चिपकती नहीं है। तेल गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच हमने डाला है राई, 8 से 10 कड़ी पत्ते डाले हैं। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए ज़रूर डालें। गैस मीडियम फ्लेम पर रखें, बहुत ज़्यादा तेज ना करें। 4 पिंच हींग डालेंगे, सबको अच्छे तरीके से पका लेंगे 30 सेकंड तक। और जैसे ही हमारे ये सारे तड़के तैयार हो जाते हैं ना, यहाँ पे हम डालेंगे मिर्ची। 2 मिर्ची को हमने काट करके डाला है, तीखा जैसा आप खाते हैं कम या ज़्यादा वैसा डालें। और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। शिमला मिर्च डालेंगे 1/2 शिमला मिर्च, 1/2 गाजर और 1/2 टमाटर। तो सबको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया था, बस सबको हमें इन्हें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारी सब्जियाँ हमारी बन करके पक्की तैयार हो जाती हैं। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और झटपट से बनने वाला ये नाश्ता है। और साथ ही हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और डालेंगे साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच। दोनों को हम मिला देंगे। सिर्फ 2 मिनट तक सब्जियों को हमें पकाना है, और 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे सोया सॉस, ये 1/4 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आता है, यकीन मानिए जब आप बनाएंगे, बच्चे बार बार आपको यही डिमांड करेंगे आप ऐसा ही नाश्ता बना के खिलाएं। तो बस यहाँ पे हमने सोया सॉस डाला है, साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो पहले भी हमने सेवई पकाते समय नमक डाला था, इस चीज़ का ध्यान दें, तो नमक स्वाद अनुसार ही डालें। और साथ ही ये जो हमारी सेवैयाँ हैं ना, उसे हमने डाल दिया है, बस सबको अच्छी तरीके से मिला दें। अगर सेवैयाँ गर्म हो तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं चलाना है, नहीं तो सेवैयाँ टूट जाएंगी। उपमा को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच मैगी मसाला, इससे उपमे का स्वाद बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। साथ ही डालेंगे धनिया के पत्ते, सबको एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। आपने देखा ना सेवई का उपमा बनाना कितना आसान है, कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है, साथ ही हेल्दी तो पूछिए मत। और आप देखिए ना कितने खिले खिले बने हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से सेवई का उपमा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर बनाएँ, और मुझे कमेंट करके बताएं आपका सेवई का उपमा कैसा बना। सबको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे सबसे आखिरी में
आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर मुझे पसंद है उपमे में, इसलिए मैंने नींबू का रस डाला है। तो बस सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। बस अब देरी किस चीज़ की, गर्मा गर्म सर्व करें। देख रहे हैं ना कितने खिले खिले और स्वादिष्ट हैं, और खाने में वाकई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को शाम को दें या टिफ़िन में बना करके दें, जब चाहे आपका नाश्ता बना के खाने का मन करे या खिलाने का, तो इस तरीके से सेवई के उपमा बनाएं, खाएं और खिलाएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।